मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और जैसी खबरें आ रही हैं, जल्द ही ये तनाव और भी भड़कने वाला है। इजराइल जहां एक तरफ गाजा में लंबे वक्त से युद्धरत है, वहीं लेबनान में भी इजरायली सेना उतर चुकी है। वहीं ईरान के साथ भी युद्ध जैसे हालात हैं। बदले की आग में जल रहा इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है, ऐसी खबरें आई। इस बीच ईरान ने इजराइल को साफ चेतावनी दे दी है कि किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मंगलवार को कहा कि किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उनका इशारा साफ तौर पर इजराइल की तरफ था। बता दें कि हमास चीफ याहिया सिनवार की याद में ईरान की राजधानी तेहरान में एक समारोह आयोजित किया गया था। याहिया सिनवार हमास का चीफ था, जिसे हाल ही में इजराइल ने मार गिराया था। ईरानी राष्ट्रपति ने सिनवार को श्रद्धांजलि दी। तेहरान में स्थित हमास के ठिकाने पर ईरानी राष्ट्रपति का जाना ईरान और हमास के बीच बढ़ती नजदीकी और इजराइल के खिलाफ उसके दुश्मनों की एकजुटता को दिखाता है। बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइल छोड़े थे। इजराइल ने तब से ही ईरान से बदला लेने का प्लान बना लिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आईं, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हवाले से कहा गया कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को छोड़कर हमला किया जाएगा। ऐसी जानकारी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी है। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल की योजनाओं के बारे में अत्यधिक गोपनीय जानकारी लीक होने की खबर सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अत्यधिक गोपनीय अमेरिकी खुफिया दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की सैन्य तैयारियों का खुलासा किया गया है। इन दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट बताया गया है। उन पर ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके 5 आईज यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे सहयोगियों के पास ही होना चाहिए। दस्तावेज में हमले की तैयारियों में कथित तौर पर हवा में ईंधन भरने के अभियान, खोज और बचाव अभियान और संभावित ईरानी हमलों की आशंका से मिसाइल सिस्टम की तैनाती शामिल है। बता दें कि रूस और ईरान के बीच भी नजदीकी की चर्चा काफी सुर्खियों में है। रूस इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का होस्ट नेशन है और आमंत्रित देशों में ईरान भी शामिल है। ऐसे में पश्चिमी देशों का प्रतिबंध झेल रहा रूस अगर ईरान के साथ मोर्चेबंदी करता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकता है।